गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली एडी में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, जो कि पहले काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल दोबारा से शुरू कर दिया गया है उस ऑप्शन को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे वो कौन सा ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जहाँ ओल्ड एज पेंशन लेते हैं बुजुर्ग हमारे घर में, लेकिन हमारी आमदन बहुत बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसका भी एक यही सोल्यूशन है। तो दोस्तों चलते हैं अपडेट की ओर। तो दोस्तों, फैमिली एडी में ओप्पो क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। यदि आपकी फैमिली एडी में आपके माता पिता आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ओल्ड एज पेंशन बुढ़ापा पेंशन बनी हुई है, तो आप अपनी फैमिली एडी में आप माता पिता का ओप्पो क्वेश्चन सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर करवा लें, जो ताकि भविष्य में आपकी फैमिली एडी में दोस्तों इनकम ज़्यादा ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ी हुई है तो भी आप इसे करवा सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपका शायद इससे जो कि आपकी इनकम कम हो जाए, क्योंकि ओल्ड एज पेंशनर की ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 27 हज़ार के बीच में जो कि इनकम रखी जाती है ओल्ड एज पेंशनर की, आपको पता होगा। तो दोस्तों, ये तरीका भी आप करके देख सकते हैं, वरना अगर आपके वैसे ही माता पिता या फिर आपके घर में कोई भी फैमिली में जुड़ा हुआ है जिसकी ओल्ड एज पेंशनर या फिर किसी भी प्रकार के पेंशनर आती है, तो वो पेंशनर ज़रूर आप उसमें जो ओप्पो क्वेश्चन में लिखवाएं कि ये ओल्ड एज पेंशनर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।